कर्नल अजय जी हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं जिनका सवाल मक्के को लेकर आ रहा है। कर्नल अजय जी, हमने देखा है कि साल 2020 तो कोविड के चक्कर में मक्का किसानों के लिए बेहद खराब रहा ही रहा था, साल 2021 भी देख रहे हैं कोई ज्यादा खास बनता नजर नहीं आ रहा है। मक्का MSP पर ही बिक जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात है, और अभी तक ऐसी कोई खबरें नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं है जहां पे ये कहा गया हो कि जो मक्का है अपनी MSP पर बिकता नजर आ रहा है, उसके ऊपर बिकनी तो बहुत दूर की बात है। आपका मक्के पर क्या कहना है? देखिए, मक्का के ऊपर विशेष मेरा ये कहना है कि मक्का को आप कैटल फीड के रूप में थोड़ा सा ध्यान देके समझिए, क्योंकि जब भी सोया के दाम बढ़ते हैं और बाकी जो खली के बादाम बढ़ते हैं, या तो उसके अंदर मक्का एक ऐसा आइटम है कि जिसके अंदर अक्सर जो है दाम, मतलब जो पशुपालक हैं और उसके अलावा जो पोल्ट्री फार्म वाले हैं, वो बाजरा और मक्का का इस्तेमाल करने लगते हैं कैटल फीड के अंदर। तो कुल मिला के यदि मक्का का भी देखें तो जैसे जैसे ऑयल सीड के दाम बढ़ेंगे, मुझे लगता है कि मक्का के अंदर, कॉर्न के अंदर भी धीरे धीरे मजबूती बनेगी, क्योंकि मक्का के अंदर थोड़ी गिरावट जो पिछले बन रही थी क्योंकि ऑयल सीड के दाम लगातार नीचे गिर रहे थे। लगभग 35 से 40% जो दाम थे, चाहे वो सोया हो या बाकी जो ऑयल सीड हैं, उसके अंदर कमी आ गई थी। तो उससे एक और खास बात है कि यहाँ पर लगातार मक्का के जहाँ पे उत्पादक इलाके हैं वहाँ पर मक्का की मांग पूरी बनी हुई है। मुझे मक्का के अंदर कोई बड़ी कमजोरी नजर नहीं आती है, और जो भी मक्का इस बार थोड़ा सा रोक के चलेगा तो मुझे लगता है कि वो मुनाफा कमा सकता है। जी, तो यानी कि मक्का को थोड़ा रोक कर चला जा सकता है और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मक्का किसानों के लिए भी जो अच्छे दिन देखने को मिल सकते हैं, मक्का किसान भी कुछ मुनाफा कमा के चल सकते हैं।